हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने नॉन कोर डेटा ग्रुप स्टडी किया था, हमने उसके कुछ फाइलम्स देखे थे एंड उन्हीं में से एक नया फाइलम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो बेसिकली, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर हम काफी सारे वैरायटी के ऑर्गेनिज्म देखने वाले हैं, जिनके अंदर स्पाइडर, स्कॉर्पियन, प्रॉन्स, बटरफ्लाइज एप्सेट्रा एप्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ग्रुप या फिर क्लासिफिकेशन की बात की जाए अगर, तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। याद रखना है, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। अब तक जितनी भी स्पीशीज नोन है नॉन कॉर्डेटा के केस में, उनके अंदर जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, आर्थ्रोपोड्स हैं, दे आर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज। कितना रेशो कवर करते हैं? 2/3, जो कि काफी बड़ा रेशो है। ओके, अब आर्थ्रोपोडा अगर नाम की बात की जाए तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। ठीक है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, उनकी लेग्स जॉइंटेड होंगी। ठीक है, ये देखो, सम और ऑल सेगमेंट्स बेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस, हैंस नेम आर्थ्रो जॉइंट्स एंड पोड्स फुट। ठीक है, तो कई बार एग्जाम के अंदर नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्थ्रोपोडा और नेम्ड आर्थ्रोपोडा। तो याद रखना, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। ठीक है, हैबिटेट की अगर बात की जाए, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, हैबिटेट की या फिर हैबिट की, तो दे आर फाउंड इन वॉटर, लैंड, सी, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लगभग हर जगह आपको ये ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, ग्रेगेरियस नेचर भी शो करते हैं एंड पेरेंटल केयर भी शो करते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक फीचर्स की अगर बात की जाए आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर, तो सबसे पहले देखो यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलेटरल, सीलोमेट है, सीलम प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। डिस्टिंक्टिव फीचर की अगर बात की जाए तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, दैट इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल, ठीक है, एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस। सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि इनके जो अपेंडेजेस हैं, इनके जो लेग्स हैं, दे आर जॉइंटेड। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप की हमने यहां पे बात कर ली। नाउ, अब इन ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन पाया जाता है, जो कि है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस फिनोमिनन आल्सो फाउंड। नाउ, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एग कैन डेवलप इन टू एम्ब्रियो विदाउट बींग फर्टिलाइज बाय अ स्पर्म। विदाउट फर्टिलाइजेशन एक ऑफ स्प्रिंग या फिर ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हनी बी। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट है एंड सिमेट्री इज बायलेटरल एंड टिप्रोब्लास्टिक नेचर होता है। ठीक है, सिफिलाइजेशन की प्रॉपर्टी जो है, हाई लेवल ऑफ सिफिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, दैट इज हेड इज डिस्टिंक्ट। अब इनकी बात की जाए बॉडी की, तो इनकी बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। इनकी बॉडी के पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक सिंपल आइज, कंपाउंड आइज, एंटीने प्रेजेंट होते हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज स्टैटोसिस्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हो? बैलेंसिंग ऑर्गन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो
कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं इस ग्रुप के अंदर जिनके पास कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं। नाउ कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है? कंपाउंड आई का मतलब होता है ऐसी आईज जो कि सिमिलर छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी हुई होती हैं। एंड उन यूनिट्स को क्या बोला जाता है? उन यूनिट्स को बोला जाता है ओमेटेडिया। क्या बोला जाता है? ओमेटेडिया। एंड ये जो ओमेटेडिया होते हैं इनके पास लेंसेज होते हैं, ईच हैविंग लेंसेज, एंड ये आपका इमेज फॉर्म करती हैं। दैट इमेज इज नोन एज मोज़ेक। मतलब मोज़ेक विज़न प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है? कंपाउंड आई किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मिल जाती है? कॉकरोच के अंदर। नाउ अब अगर मोज़ेक विज़न की बात की जाए तो मोज़ेक विज़न का मतलब क्या है? देखो मोज़ेक विज़न का मतलब क्या है कि जो कॉकरोच होता है इनके अंदर कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है, एंड कंपाउंड आईज के अंदर जो इमेजेस फॉर्म होती है ना वो छोटी छोटी इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, एंड वो छोटी छोटी इमेजेस मिलके एक बड़ी इमेज को दिखाती हैं। लाइक मान लीजिए कॉकरोच है, नॉक्टर्नल एनिमल है, अगर कॉकरोच को कोई एक ब्रेड का पीस दिख रहा है तो उसे ये कंप्लीट ब्रेड का पीस नहीं दिखेगा, इसे ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में दिखेगा, एंड ऐसे विजन को हम बोलते हैं मोज़ेक विजन। ठीक है। बॉडी की अगर बात की जाए तो बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इंटू 3 रीजन, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है। बॉडी एक्सोस्केलेटन होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी अराउंड विसरा कंटेन्स ब्लड एंड इट इज कॉल्ड हीमोसील। ब्लड को क्या बोला जाता है? हीमोसील। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर माउथ पार्ट्स की बात की जाए तो काफी सारे 2/3 जितनी भी स्पीशीज हैं अभी तक जितनी भी स्पीशीज का नेम किया गया है उनमें से 2/3 स्पीशीज 2/3 एनिमल्स आपके इस ग्रुप से आते हैं, आर्थ्रोपोडा से। तो जब इतना बड़ा नंबर है एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का इस ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के माउथ पार्ट्स भी पाए जाते हैं। नाउ इन डिफरेंट काइंड्स के माउथ पार्ट्स की अगर बात की जाए तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं दे आर फाउंड इन ग्रासहॉपर, कॉकरोच एंड टर्माइट्स। पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट्स या टीथ अगर बात की जाए तो दे आर फाउंड इन मस्क्यूटोस, बग्स एंड फ्लीज। च्यूइंग टाइप या फिर लैपिंग टाइप इन हनी बी। स्पॉन्जिंग टाइप इन हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। सिफॉनिंग टाइप इन बटरफ्लाईज एंड मॉथ। ये सारे पार्ट्स, माउथ पार्ट्स, ये जो अडॉप्टेड हैं फॉर ऑल दीज कैटेगरीज आपको पता होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है। तो ये लर्न करना है आपको कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा माउथ पार्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो देखो रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सर्फेस और स्पेशल स्ट्रक्चर्स। बॉडी सर्फेस के थ्रू भी हो जाता है रेस्पिरेशन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक गिल्स। गिल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? प्रॉन के अंदर। ट्रेकिया फॉर इंसेक्ट्स। बुक लंग्स होते हैं प्रेजेंट इन किंग क्रैब। ठीक है। ट्रेकिया कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू दी ऑल सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। ब्लड इज यूजुअली कलरलेस कॉल्ड हीमोलिम्फ। ब्लड कलरलेस होता है यहाँ पे, इसीलिए इसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। एंड कुछ मेंबर्स के अंदर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। एंड ये कुछ ही स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ ही मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है प्रॉन। ओके। नाउ सेक्स की अगर बात की जाए तो सेक्स आर यूजुअली सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली एक्वाटिक मेंबर्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट्स इस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल वन एपिस। एपिस क्या है? एपिस इज हनी बी, आपको पता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए हनी बी की तो यहां पे आपको हनी मिल जाता है। ठीक है। और हनी को आप एज फूड यूज करते हो एज वेल एज इन मेडिसिन भी यूज करते हो। नेक्स्ट इज बॉम्बेक्स, दैट इज नोन एज सिल्क वर्म। सिल्क वर्म को आपको पता है ये आपको सिल्क देता है, प्रोवाइड्स द सिल्क, एंड सिल्क को आप इन गार्मेंट इंडस्ट्रीज यूज करते हो। थर्ड आपके पास है लेसिफर या फिर लैक इंसेक्ट जो कि आपको लैक देता है। ये एक सिक्रीशन होता है लैक इंसेक्ट का विच एक्ट्स एज अ सीलिंग वैक्स। एंड
लैक के आपने सुने होंगे, बैंगल्स भी मिलते हैं, टॉयज भी होते हैं, तो इसका भी काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नाउ वेक्टर्स की अगर बात की जाए, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक चीज को ट्रांसमिट करते हैं या फिर डेडली डिजीजेस कॉज करते हैं। तो काफी सारे इंसेक्ट्स हैं जो एज अ वेक्टर बिहेव करते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर, नंबर वन एनोफिलीज। एनोफिलीज की अगर बात की जाए, एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज इज द वेक्टर फॉर मलेरिया। क्यूलिक्स की अगर बात की जाए तो क्यूलिक्स मस्क्यूटो जो होती है, इट इज अ वेक्टर फॉर फिलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस, ये आपने पहले पढ़ा था। एडीज की अगर बात की जाए तो ये आपका डेंगी फीवर फैलाती है और चिकनगुनिया भी फैलाती है। गर्गेरियस पेस्ट इज नोन एज लोकस्ट, याद रखना है लिविंग फॉसिल इज लाइमुलस, ठीक है। नाउ अगर अब इसकी डिफरेंट क्लासेस की अगर बात की जाए तो देखो, सबसे पहले आपके पास है क्रस्टेशिया, देन चीलोपोड़ा, देन डिप्लोपोड़ा, देन इंसेक्टा, देन एराकिनिडा, देन ओंकेफोरा एंड देन मेटोस्टोमटा, ठीक है। हमें इनकी डिटेल में स्टडी नहीं करनी, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है। क्रस्टेशिया की अगर बात की जाए तो क्रस्टेशिया के अंदर आपका प्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। चीलोपोड़ा की अगर बात की जाए तो सेंटीपीड प्रेजेंट होते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहां से एक बार पीवाईक्यू पूछ लिया गया है कि चीलोपोड़ा के अंदर क्या होते हैं, क्या कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपके सेंटीपीड इन्वॉल्व है। डिप्लोपोड़ा की अगर बात की जाए तो मिलीपीड्स इंक्लूड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टा ग्रुप के अंदर आपके जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच आ जाएगा, क्यूलेक्स आ जाएगा, एडीज आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। एराकिनिडा के अंदर आपका स्कॉर्पियन आ जाता है। ओनिकोफोरा के अंदर आपका पेरिपेटस आ जाता है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एनमेटोस्टोमेटा के अंदर आपका लाइमेलस आ जाता है, दैट इज नोन एज किंग क्रैब, ओके। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे, याद रखना। तो इस ग्रुप के अंदर आपने सारी स्टडी कर ली एंड एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, बटरफ्लाई, स्टिक इंसेक्ट, एंट्स हो गई, बीटल हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गए, ये सभी आपके आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ओके। Thank you very much.